हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। 30 अगस्त 2022 है और अभी हमें रामनगर जिम कार्बेट प्रोग्राम ख़त्म हो गया। बहुत बढ़िया प्रोग्राम ख़त्म हो गया और मैक्सिमम लोग चले भी गए। अब बस थोड़े से मिनिमम लोग बचे हुए हैं, तो ये लोग चले जाएंगे तो मैं और ललित जी यहाँ बैठ के थोड़ा सा आपस में ऐसे डिस्कशन करेंगे, थोड़े से प्लस माइनस पॉइंट पर बात करेंगे आपस में, फिर अपन जो है दिल्ली चले जाएंगे। बढ़िया प्रोग्राम निमट गया सर। हाँ जी, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। शुरू में ना हमने उम्मीद करी थी 30-35 लोग हो जाएंगे तो बतेरा होगा। 30-35 के हिसाब से सर ने तो छोटी प्रॉपर्टी को बुक भी कर रही थी, 10 कमरे की ना, 22 कमरे की शुरू में जो करी थी, सोची थी, बुक नहीं करी थी। हाँ, मतलब बुक नहीं करी थी, सोची थी 20-22 कमरे की। लेकिन 20-22 कमरे जो थे 8-10 दिन के अंदर ही बुक हो गए। पहले हम लोगों ने यही प्लान किया था ना कि भाई हम लोगों ने प्रॉपर्टी इसलिए फाइनल नहीं कर रहे थे कि हम पहले देखते थे ट्रेंड कितना है कि भाई हमारा, अगर पहले तो मैं उम्मीद कर रहा था कि हमारे 15 कमरे भी लग गए तो गनीमत है। हाँ, 15 कमरे भी लग गए गनीमत है, डे विजिट हो जाएंगे 30-40, तो हमारे गया 60-70-80 लोगों का प्रोग्राम। हाँ हाँ, उसके बाद जो है ग्रुप में जो है 3-4 दिन में रुझान पता चल गया। बहुत बढ़िया रुझान आया, जबरदस्त, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट। फिर फाइनली जो प्रॉपर्टी बुक हुई है, ये अपना अशोका, ये 44-45 कमरे थे, इसमें सारे के सारे फुल। इसके बगल में दूसरी प्रॉपर्टी बुक करी, उसके भी 8-10 कमरे फुल, डे विजिट वाले बहुत सारे, कुल मिला के 200+ लोग हो गए थे। हाँ जी, ये भाई बहुत बढ़िया निमट गया काम। ये तो छोटा मोटा ब्याह था ना, 200 लोगों का ब्याह, 200 बराती भी हो तो तब भी बहुत बड़ा ब्याह हो जाता है। बिल्कुल, ऐसे थोड़ी है। अब ये देखो जी, रिजॉर्ट में 2 बुफे लगवाने पड़े। हाँ, अंदर भी खाना चल रहा था, बाहर भी खाना, बाहर भी चल रहा था। हाँ, 200 लोगों ने 225 लोगों ने, नहीं फिर भी स्पेस बहुत था। हाँ, तो पता नहीं चला 200 लोग कहाँ। बिल्कुल, नहीं तो अगर चिंता हो रही थी मुझे। हाँ, उन्हें कैसे होगा, तो उन्होंने बोला आप टेंशन मत लो। तो इस बार ना हमने कुछ प्रैक्टिकल किए थे, एक तो ये स्पॉन्सरशिप वाला प्रैक्टिकल था। सर तो यहाँ के जिम कार्बेट में इवेंट मैनेजमेंट के वो हैं, मास्टर हैं, तो कभी भी आपको जिम कार्बेट में या कहाँ पे जिम कार्बेट है, मेन तो जिम कार्बेट ही है, आसपास की लोकेशन पे भी अगर कभी आपको इवेंट मैनेज कराने हो, कोई शादी ब्याह करने हो, अपना करना हो, किसी और का कराना हो, बालकों का करना हो, पड़ोसी का, ठीक है, इनका नंबर वगैरह और डिटेल वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो इनके लिए तो स्पॉन्सरशिप और ये सब एक नॉर्मल चीज़ थी, लेकिन हमारे लिए पहली बार, हमने पहली बार देखा भी स्पॉन्सरशिप क्या होती है। तो सर तो कह रहे थे कि ग्रुप में पोस्ट डाल देते और कोई बड़े स्पॉन्सर आ जाएंगे तो हमारे बहुत सारे खर्चे बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन फिर उसी का बेनिफिट जो है हम आगे अपने गेस्ट को दे सकते हैं। हाँ, उनके हम एक्सपीरियंसेस बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर हमारी टीम ने डिसाइड किया कि इस बार ऐसा नहीं करते। इसके बावजूद भी छोटे कई सारे, कितने हो गए थे सर स्पॉन्सर? स्पॉन्सर सबसे पहला तो है जी माइनक्राफ्ट, जो इसने हमारे पूरे ये बैनर्स से जो सब बनाए वो दिल्ली से आए थे स्पेशली। अच्छा, हाँ वो हो गए। बाकी निर्माणा वाले हो गए और कमल भाई हो गए, राहुल हो गया, तो 4-5 स्पॉन्सर ये भी हो गए थे। तो मतलब अपने लिए तो मेरे लिए तो नया एक्सपीरियंस था बिल्कुल। अगली बार कोई इवेंट होगा तो मुझे भी आइडिया हो गया, और सर तो मतलब प्रोफेशनल आदमी है ही, तो मेरी भी समझ में आ जाएगा कि अगली बार क्या मतलब क्या करना है। तो अगली बार और बढ़िया भयंकर करेंगे। मैं वही अभी नीरज से बात कर रहा था, मैंने कहा कि ये इवेंट्स होते हैं कई किस्म के। हाँ, कई किस्म के इवेंट्स होते हैं, कोई शादी होती है, कोई कॉर्पोरेट होते हैं, कोई सरकारी होते हैं, कोई अलग अलग टाइप के। ये जो विधा है, ये जो नई विधा है सोशल मीडिया इवेंट्स, मतलब कि मैं कहूँगा कि वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट रहा होगा ये। हाँ, सोशल मीडिया के उससे जो है 200 लोग अलग अलग जगह से। हाँ, बिहार से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, गुजरात से, वो इकट्ठा हो गए। हाँ, मैक्सिमम लोग इतनी मिठाइयाँ लेके आए, 1 किलो से लेके और 10 किलो तक। हाँ जी, कम से कम 100 किलो 100 किलो मिठाई आई, कम से कम 100 किलो मिठाई आई। हमें वो मिठाई जो थी लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में, चाय के टाइम पे, ऐसे मतलब रख देनी पड़ी। भैया रिसोर्ट वाले को भी दे के आए हैं। मेरे कमरे में, ललित जी के कमरे में, कमल भाई के कमरे में तो मिठाइयों के ढेर लगे हुए थे, और ऐसी ऐसी मिठाइयां जो हमने आज तक कभी खाई नहीं। यही जो है कि विविधता में एकता। हाँ, विविधता में एकता की हमें अभी भी एक डिब्बा था यहाँ पे कहीं। वो एक चिक्की ले आए थे महाराष्ट्र से। एक सुनो, देखो हम पिछले 2 साल से हिमाचल में रह रहे हैं मानसून के टाइम पे। पिछले साल भी मनाली में किन्नौर में थे, इस बार भी मनाली किन्नौर में थे। तो मानसून में हमारे यहाँ चलता है घेवर, मेरठ साइड में, हरियाणा में ये घेवर चलता है बहुत।
तो मैं घेवर का शौकीन हूँ। मनाली में मैं घेवर को मिस कर रहा था, कल्पा में भी। पिछले साल तो हमने ऑफर निकाल दिया था कि भाई 1 किलो घेवर लाओ, 1 दिन रुको कल्पा में अमन भाई के होटल में। अच्छा। और लोग लाए भी थे। अच्छा। अमन छीन के खा जाता था। तो इस बार भी अपने वो अमित ढुल भाई थे रोहतक से, वो घेवर लेके आए। उन्होंने मेरे कान में बता दिया, देख भाई मैं लाए तो और भी बहुत सारे सौदा हूँ, लेकिन तेनिया में लाया हूँ घेवर। मगर जी ऐसा करो, चुपचाप अपने कमरे में रखो, मैं ले लूंगा। बाकी 100 किलो मिठाइयाँ दूसरे लोग भी लाए, सब बट रही है, आप भी जो एक्स्ट्रा मिठाई लाए हो सब बांट दो, पर घेवर मुझे चाहिए। कितना भी लाए हो मुझे चाहिए घेवर। और मैं बताऊँ कसम से, हाँ सिर्फ आपको, मेरे को नहीं, किसी को ना पता कि किसी को मिठाई कौन लाया, किसने ना, 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 किसी को नहीं, किसी को नहीं पता। मैंने और सुनो, और सुनो, घुने पेड़े भी थे। हाँ, आंवले की, हाँ आंवले की, क्या वो लड्डू, आंवले के लड्डू, आंवले के, हाँ। एक भाई तो आम पापड़ की बर्फी लाए थे। हाँ। और सुनो, घेवर का किस्सा तो अभी पूरा नहीं हुआ। घेवर का क्या हुआ, अगले दिन जब अमित भाई चले गए, वो मुझे चुपचाप, मैं उनके रूम में रुका था रात में, तो कह के चले गए, देख भाई घेवर रखा है, अब तू इसको निमटा ले जैसे भी निमटाना हो। तो मैंने तो पहले तो वहीं खाया, फिर भी बच गया 1 किलो के आसपास। मैं लेके चुपचाप अपने रूम की तरफ आ रहा था, अब कई लोगों ने घेर लिया मुझे, बैठे हुए तो भाई नीरज भाई, अब भाई अब होता है तो यार लो यार, तुम भी लो, तुम भी लो। मन तो ना मान रहा था कि यार मैं घेवर दे दूं, क्योंकि हाँ बाकी सारी मिठाई सारी बट रही थी, पर भाई घेवर का मेरा मन नहीं मान, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। ईमानदारी से बेईमानी आ गई। हाँ मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। हाँ तो एक भाई ने देखा घेवर, वो पूरब के थे, पूर्वी यूपी के, उधर घेवर नहीं चलता। हाँ वो जो आए हुए थे वहाँ सनोली बॉर्डर गोरखपुर। हाँ 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 हाँ, उन्होंने टेस्ट किया, कहने लगे ये तो बहुत बढ़िया है, मेरे हमारे तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे, और मैं इन्हें अपने बच्चों के लिए ले जा रहा हूँ। हाँ। मगर जी ले जाओ, उस टाइम बड़ी खुशी मिली। हाँ। बेईमानी तो आ रही थी मन में कि यार मैं चुपचाप रख लूँ। पर जिस टाइम उन्होंने कहा ना कि यार ये बहुत, उनके यहाँ घेवर नहीं चलता। हाँ, बिल्कुल घेवर नहीं चलता उनके यहाँ, ऐसा लगा कि जैसे हम अपनी तरफ से कोई उन्हें कल्चरल गिफ्ट दे रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगा। कोई अच्छा, एक वो जो टी शर्ट ले आए थे, टी शर्ट तो मैं अभी भी पहने घूम रहा हूँ। पीठ पीठ दिखाओ, पीठ दिखाऊं? चलो जी, पीठ पे भी कुछ कुछ लिखा हुआ है। घुमक्कड़ी जिंदाबाद, घुमक्कड़ी जिंदाबाद। अच्छा ये मतलब ये देखो ना, दीप्ति ने इस इवेंट के लिए मेरे स्पेशल कपड़े बना रखे थे, लेकिन जैसे ही टी शर्ट मिली मैं भी खुश हो गया, दीप्ति भी खुश हो गई कि अब तो यही पहनेंगे पूरे इवेंट में, मैं यही टी शर्ट पहने रहा। 15 टी शर्ट बोले आए थे जी, और कम से कम 25-30 वो मग बनवा के लाए, मग बनवा के लाए थे सबको। वो आसिफ भाई जो हैं, हाँ वो कार ही सजा के लाए, वो तो पूरी कार सजा के ले आए, कार पे लिख दिया घुमक्कड़ी जिंदाबाद चारों तरफ। भाई जबरदस्त रहा, जबरदस्त। अच्छा एक चीज और, थोड़ी सी ना हमारे लेवल पे थोड़ी सी कमियां भी रही है। जैसे मैं अपनी एक पर्सनल बात करूं, वीडियो हमें किसी प्रोफेशनल वीडियोग्राफर से बनवानी चाहिए थी इस इवेंट के लिए। बिल्कुल ठीक है, मुझे नहीं, मुझे आइडिया नहीं था कि इतने लोग होंगे तो कैसा रिएक्शन होगा, क्या होगा, मुझे आइडिया ही नहीं था। मुझे वीडियो बनाने की फुर्सत ही मिली, मैं कैमरा ऑन करता चारों तरफ से लोग घेर लेते, फिर मैंने कैमरा ही बंद करके रख दिया कि चल यार कैमरा रखो, लोगों से बात करो। तो वीडियो उस लेवल की नहीं बनी जिस लेवल की बननी चाहिए थी। बिल्कुल, तो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर वीडियोग्राफर होना चाहिए था केवल वीडियो बनाने के लिए, जिससे कि अपने यूट्यूब पर भी बढ़िया काम चलता। आगे करेंगे, आगे करेंगे। दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट थी भाई, अपनी कमियों को का भी जिक्र करना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसमें मुझे कोई शर्म की बात नहीं है। हम दोनों ने बैठ के प्लान बनाया, खूब डिस्कशन हुआ सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे हमने खूब डाला। प्लान क्या था, प्लान था जी कि एक मेन इवेंट होगा, वो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक होगा। हाँ जी, मेन इवेंट। बहुत सारे लोग आए जिन्हें केवल मेन इवेंट ही अटेंड करना था, 12 बजे से 4 बजे तक सुबह वो आए, शाम को 4 बजे के बाद चले गए। इसके अलावा कुछ लोग वहां पे रुकने वाले भी थे। हाँ। जो रुकने वाले थे उनका चेक इन था 1:30 बजे। हाँ जी बिल्कुल जी, यानी कि जिनका चेक इन 1:30 बजे था उनका 12 बजे से लेके 2 बजे तक इवेंट डिस्टर्ब हुआ। ये हमारे दिमाग में नहीं आया पहले, हमें इस पे काम करना चाहिए था। आगे होगा कुछ इस चीज पे काम करेंगे। बिल्कुल जी, वैसे हमने मैक्सिमम लोगों को अर्ली चेक इन करा दिया था, क्योंकि एक दिन पहले भी रिसोर्ट हमारे कब्जे में था, हमें पता था कौन सा रूम खाली है, किस किस क्या है क्या है, लेकिन फिर भी चेक इन टाइम 1:30 बजे। तो 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, 2 बजे तक उन लोगों का मेन इवेंट डिस्टर्ब हुआ। हाँ, इस चीज़ पे हमें काम करना अगली बार। बिल्कुल ठीक है। और तो बढ़िया रहा, दीप्ति, हर्षित, उसकी बहन, उसकी मम्मी पापा सारे के सारे चले गए हैं ट्रेन से।
अभी ललित सर भी गाड़ी से जाने वाले हैं दिल्ली, और मैं अकेला हूँ, मैं भी अभी बाइक से दिल्ली जाने वाला हूँ, थोड़ा सा सामान है मेरे पास, बाइक पे लाद के मैं चल पड़ूंगा दिल्ली। तो अभी टाइम भी हो गया, 2 बज गए ना? हाँ 2 बज गए। हाँ 2 बज गए, 3 बज गए सर। हाँ 3 बज गए, 8-9 बजे तक मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगा। तो चलो आपको यहाँ से लेकर रामनगर से दिल्ली तक के नज़ारे आपको दिखाते हैं और चलते हैं। तो जो भी लोग अपना इवेंट में आए उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो ठीक है, चलते हैं जी दिल्ली की तरफ। आपको कभी जिम कार्बेट आना हो तो ललित सर को आप याद कर लेना। जिम कार्बेट में आपको कोई भी इवेंट करना हो, कॉर्पोरेट इवेंट करना हो, शादी ब्याह करना हो, कोई भी किसी भी तरह का, या अपना वैसी नॉर्मल यार दोस्तों का फैमिली का कोई, ललित सर को याद कर लेना। और ललित सर अगर याद ना आए तो ट्रैवल किंग इंडिया तो याद रहेगा ही रहेगा। ट्रैवल किंग इंडिया को तो रट लो, travelkingindia.com, उसके थ्रू भी आप यहाँ के जिम कार्बेट की बुकिंग आप कर सकते हो। ठीक है सर, मज़ा आ गया, आओ आप भी पीछे पीछे दिल्ली। हाँ, परसों मिलते हैं। थम्स अप। हाँ जी। ओम भगवान, जय श्री राम, जय शिव शंकर। चल पड़ा भाई रामनगर से, यहाँ से रामनगर से दिल्ली है जी 250 किलोमीटर, और इसे पार करने में मुझे लगेंगे कम से कम 5 घंटे 6 घंटे मान के चलो। अभी बज रहे हैं जी शाम के 4, 4, 6, 10, यानी के तकरीबन 10 बजे तक मैं दिल्ली पहुँचूंगा। जी गंगा जी को पार कर रहे हैं, जय गंगा मैया। अरे बहुत चढ़ी हुई है भाई नदी, तो ये इधर तंबू अंबू लगे हुए थे, सारे के सारे डूब गए। एक ब्रेड पकौड़ा ले लिया और एक ले लिए लस्सी। अभी पहुंच गए हो जी गढ़ मुक्तेश्वर, 3 घंटे और लगेंगे। अब बज गए जी रात के 8, 1 घंटा यहाँ पे भाई रेस्ट किया पूरा, लस्सी और वो खाए, वो क्या खाए, ब्रेड पकोड़ा और थोड़ा सा व्हाट्सएप चलाया, 1 घंटा रेस्ट किया। अब भाई 2-2.5 घंटे के करीब और लगेंगे मुझे। यहाँ से दिल्ली है जी 100 किलोमीटर गढ़ मुक्तेश्वर से। अब रास्ता है रात का, रात में मुझे इस हाईवे पर चलाने में कोई दिक्कत नहीं है।